कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। डॉली चाय वाला 10वीं फेल नागपुर में रहने वाला एक चाय वाला विलगेट्स के साथ कोलैब करता है और विलगेट्स को तो उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। डॉली रॉयल्स रॉयल्स में घूमता है, लंबरगिनी में घूमता है और तुम दिन रात एक कर घर पर आई कर रहे हो, ट्रेनर को धक्के खा रहे हो, अपने कोचिंग की फीस दे रहे हो और स्कूल जा रहे हो। चले भैया चले 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 और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम पैसे कमाना कब से स्टार्ट करोगे। सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया, मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए, जो भी देखते हैं हम लोग बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये है दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल जिसने 1 साल में इतना पैसा कमाया कि मस्टैंग जो कि 1 करोड़ की आती है उसमें बड़ा पाव बेचने के लिए आती है और तुम रोज ऑफिस जा रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक नौकरी के लिए जिसकी सैलरी क्या होगी 15 से 20 हजार के अंदर। अभी 1 करोड़ की कार तुम कितने सालों में ले सकते हो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लेना। अब इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, किसी और की है जिसे जबरदस्ती तुम पर लागू किया गया था। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब हाई स्कूल ड्रॉप आउट जो आगे जाकर एप्पल कंपनी को बनाते हैं, रिचर्ड ब्रांसन हाई स्कूल ड्रॉप आउट, गौतम अडानी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, मुकेश अंबानी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, सावित्री जिंदल हाई स्कूल ड्रॉप आउट। ये सभी लोग क्यों सक्सेस हुए हैं आपको पता है? ये सभी लोग ऐसे ट्रैप में फंसने से नाकामयाब रहे हैं जिसमें एक आम व्यक्ति अपने आप को प्राउडली डालता जा रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और एक तरफ आप जो रेगुलरली स्कूल जा रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट पूरे कर रहे हो, अपने टीचर की बात मान रहे हो और एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है और हर रूल को फॉलो कर रहे हो इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी और एक जॉब होगी जिसमें आपकी बहुत अच्छी सैलरी होगी, आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करोगे, एक घर लोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। मगर आपको पता है रियलिटी कुछ और ही है। देखते हैं हम लोग बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया। दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, उल्टा हमारे पर फायर हो गया। और जब आपको जॉब नहीं मिलती ना तब आप अंदर से टूट जाते हो और रात दिन सोचते हो कि कैसे भी करके एक मुझे जॉब मिल जाए। अब कैसे भी करके आपको एक जॉब मिल जाती है मगर उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते, मगर इस सिचुएशन में आप कर भी कर सकते हो और इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आप कुछ समय बाद एक होम लोन लेते हो और एक कार लोन लेते हो, अब आप कहीं ना कहीं एक जाल में फंस चुके हो। अब आपको हर समय एक डर रहता है कि कहीं आपको जॉब से निकालने दे जाए, फिर मैं घर के खर्चों को कैसे मैनेज करूंगा, होम लोन कैसे चुकाऊंगा, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे दूंगा। और धीरे धीरे आप अपने सपनों को भूलते जाते हो और चुपचाप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो और शाम को घर आते हो, भले ही वो काम आपको पसंद हो या फिर ना हो। और एक दिन आता है जब आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और आप धीरे धीरे बूढ़े जाते हो और सोचते हो कि पढ़ाई तो मैंने बहुत की मगर मेरी किस्मत बेकार थी जो कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मगर रियलिटी तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जिसे आप सामने से छुपा कर रखा गया था। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि आपके सक्सेस में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ बनकर बीच में खड़ा हुआ था और इसी वजह से आप कुछ कर नहीं पाए। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a big university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get ahead.
आपको पता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से लिया गया था, जिस एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन बन सको, एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। अब आपको लग रहा हो कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ, मगर रुको मेरे दोस्त, इस एजुकेशन सिस्टम को मैं कुछ ही देर में प्रूफ कर दूंगा। विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल होता है 1806, जिसमें एक तरफ नेपोलियन की आर्मी और दूसरी तरफ प्रिसिया के बीच एक पोर होता है, जिसमें प्रिसिया एक पावरफुल आर्मी होने के बावजूद हार जाती है, और उनके लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि उनकी आर्मी इतनी पावरफुल होने के बावजूद हार कैसे सकती है। और कुछ दिनों बाद उनको समझ आता है कि उनकी आर्मी पावरफुल तो है, मगर वो अपने सुपीरियर की बातों को ना सुनकर अपने माइंड को इस्तेमाल कर रही है, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। अब इस हार की वजह से प्रिशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन को देना होता है और एक पीस एग्रीमेंट साइन करना होता है। अब प्रिशियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि उनके साथ ये दोबारा से नहीं होना चाहिए, मगर ये सब वो कैसे कर सकते हैं। अब कुछ दिन बीतने के बाद प्रिशियन लीडर को एक आइडिया आता है, इसके बाद वो एक सिस्टम को बिल्ड करने में लग जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर सिर्फ उतना ही करे जितना उनको करने को कहा जाए। और ऐसा करने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता था, उन ब्रेन को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद से ना सोच सके, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, जिन्हें जो समझाया जाए पढ़ाया जाए वही चीज को वो सच मान ले। तब जाकर एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रिशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाती है। और ये क्यों किया गया था, आने वाली जनरेशन को एक ऐसे ट्रैप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने, भाई करे जो उनको करने को कहा जाए, अपने माइंड का इस्तेमाल ना करते हुए। अब इन 8 सालों में उतना ही समझाया जाता था, उतना ही पढ़ाया जाता था जितने में आप अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि आप अपने बारे में सोच सके। इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म्स लाई गई जो कि सिर्फ आर्मी की होती है, जो कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स की होती है। रूल्स बनाए गए, पानी पीने के लिए पूछना पड़ेगा, वॉशरूम जाने के लिए 1000 बार टीचर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन ना मिले तो ऐसे ही बैठे रहो। अब 4 से 5 घंटे स्कूल में बिताने के बाद होमवर्क दिया जाता है ताकि तुम घर पर रहकर भी अपने बारे में ना सोच सको, और सिर्फ बुक में ही घुसे रहो, जो तुम नहीं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पढ़ना है। और तुम धीरे धीरे इन 8 सालों में अपने सोचने की क्षमता को गवा देते हो और लास्ट में आकर एक लेबर बनते हो। देन प्रिशियन लीडर जैसा सोच रहे थे, ये एजुकेशन सिस्टम वैसा ही रिजल्ट उनको दे रहा था। एक प्रिशियन ऑफिसर ने तो ये तक कह दिया था कि एजुकेशन शुड बी एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग फ्री विल सो दैट आफ्टर पीपल्स आर थस स्कूल्ड दे विल बी इनकैपेबल थ्रूआउट द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग अदरवाइज देन एज देयर स्कूल मास्टर्स वुड हैव विश्ड। When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen. अब इस तरह एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो गया था जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। इस दौरान एक और चीज थी जो आने वाली दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। साल 1760 से 1840 के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो रही होती है। अभी तक लोग एग्रीकल्चर कर अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर अपने घर के खर्चों को चलाया करते थे, मगर अब वर्ल्ड पर मशीन डोमिनेट करने लगी थी। जितना प्रोडक्ट एक इंसान महीने भर में भी नहीं बना पा रहा था, उतना प्रोडक्ट एक मशीन एक दिन में बना देती थी। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फैक्ट्रीज में मशीनों को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स की बहुत ही कमी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय के लोग दूसरे के यहाँ जाकर काम नहीं करते थे। मगर अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे मजबूर किया जाए उनको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। देखो, प्रिशियन एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने वाले जो लीडर्स थे, उनका कॉन्टेक्ट अलग अलग देशों में उनसे ऊपर बैठे हुए लोगों से रहता था। उसी की वजह से अलग अलग देश इस एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने लगे थे। जिस एजुकेशन सिस्टम में आपको 8 सालों में सिर्फ एक ही चीज समझाई जाती थी, एक ही चीज पढ़ाई जाती थी कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको जॉब ही करनी होगी, ताकि आप और कुछ ना सोच सकें, सिर्फ एक जॉब पाने के चक्कर में अपने सोचने की थिंकिंग को गवा बैठे हैं। अब इसी तरह जो लेबर की कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होने लगी, और उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हमारे इंडिया में ब्रिटिश राज 1757 से स्टार्ट हो गया था, मगर इसके पीछे एक प्रॉब्लम थी, वो थे अलग कल्चर के, हम थे अलग कल्चर के, तो कम्युनिकेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, और ब्रिटिशर्स को राज करने के लिए सोल्जर की भी जरूरत थी और वर्कर्स की भी जरूरत थी। अब इसी के चलते थॉमस बेबिंगटन मकाउले एक प्रपोजल तैयार करते हैं इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और उस समय के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसे 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बताकर पास कर देते हैं। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो पूरा प्रिशियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। अब लोगों को तो लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं ताकि हम उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, मगर रियलिटी तो कुछ और ही थी। And if a nation is ever to, it will require the free institutions that can only grow from a broad and enlightened educational system. अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को धीरे धीरे ऑफिस में वर्कर्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज में वर्कर्स बनाते हैं, सोल्जर तैयार कराते हैं, अपने छोटे से छोटे काम के लिए इंडियंस को ऑर्डर्स देते हैं, और इंडियंस इसे एक रूल समझकर फॉलो करते जा रहे थे बिना किसी क्वेश्चन के। सोचिए जो ब्रेन वॉशिंग थी वो किस हद तक की जा चुकी थी। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं,
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या लेने देना, हमारे देश को तो आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। मगर रुको, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये बहुत ही गलत सोच रहे हो। हमारे इंडिया में जो पेरेंट्स होते हैं वो पता है आपको क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा जैसे ही बड़ा होगा मैं उसको एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। हमारी सोसाइटी में स्कूल एजुकेशन की जगह कम, बिजनेस और स्टेटस की जगह ज्यादा बनते जा रहे हैं, जिसमें किसी चीज स्कूल की तो फीस ही इतनी होती है कि एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल में एजुकेशन ही नहीं दिलवा सकता, और जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत ही गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा इस स्कूल में जाता है, इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, और ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं, और सोचते हैं मैंने तो मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दिया, अब वो स्कूल वाले देख लेंगे, बस मुझे टाइम पर फीस पे करना है। और जब आप 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाते हो तब आप कमांड किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी सीखता है, और अगर इस माइंड को सही से ट्रेंड किया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकता है। मगर स्कूल जाते ही आपको 4 से 5 सब्जेक्ट के जाल में फंसा दिया जाता है, और यही आपकी अब से दुनिया बन जाती है। अब आप सुबह से शाम तक इन्हीं बुक के बारे में सोचते रहते हो और इन्हीं बुक को पढ़ते रहते हो, और अगर आपने और कुछ सोचने की कोशिश करी तो जिसका रिजल्ट आपके मार्क्स पर पड़ेगा, फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। मगर हमारे पेरेंट्स एक बार भी ये नहीं सोचते कि स्कूल कॉलेज हमारे बच्चे को आखिरकार सिखा क्या रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो सही है, उससे हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, और जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको पसंद भी है या फिर नहीं, नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ यही लगता है कि स्कूल में हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा और सोचोगे तब आपको समझ आएगा कि जो आपको पढ़ाया गया है उस दौरान जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि मुझे जॉब करना है। बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मैं मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है, इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकारी। इस दौरान आपको कभी भी ये बताया नहीं गया कि आप सेल्फ डिपेंड कैसे बन सकते हो, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और जो सही था वो आपको कभी सिखाया ही नहीं गया। इस एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि इंडस्ट्री को सस्ती लेबर प्रोवाइड की जा सके, जो खुद के माइंड को इस्तेमाल न कर अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने, उनके रूल को फॉलो करे। इसके लिए आपको हर मंथ सैलरी दी जाती है, भले ही वो काम आपको पसंद हो या फिर ना हो। 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई क्यों चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंड बनो, आप अच्छा पैसा कमाओ, आप करोड़पति बनो, मगर कोई क्यों चाह रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, आप करोड़पति बनो, उससे उसका क्या फायदा? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे तो आप सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे, उनसे सवाल जवाब करोगे, गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, और आप कभी भी इस ट्रैप में फंस ही नहीं पाओगे। और जब आपको इस ट्रैप के अंदर डाला जाता है तब आपकी उतनी एज होती नहीं है कि आप सब कुछ समझ पाओ, और जब आप उस एज तक पहुंचते हो जब आप सोचने के कैपेबल होते हो तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, या तो 15 से 20 साल तक यही चीज पढ़ते पढ़ते आपका ब्रेन बहुत हद तक किया जा चुका होता है कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या तो फिर आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप चाहकर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इस एज में आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाना होता है। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और जो आप 15 से 20 सालों तक पढ़ते आ रहे हो उससे सोचकर आप 20 से 40 हजार की नौकरी की सोच में लग जाते हो, मगर रियलिटी क्या है आपको पता है? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? को पता है आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी एज 25 से भी कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं। आपको देखकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जितना इंजीनियर्स अर्न करते हैं उससे ज्यादा तो अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कमा लेता है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम मंदे में, 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं, इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा है। मगर इन सबका सोल्यूशन क्या है? तो क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या वो सारे गलत कर रहे हैं? देखो, जिस समय इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था उस समय मिलियनर्स की तादाद में बर्गर्स की जरूरत थी, मगर आज क्या हाल है? Option is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. पहले भी लोग इस एजुकेशन को लेकर मिडिल क्लास जिंदगी जीकर मर गए, ना तो खुद के लिए कुछ कर पाए और ना तो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ पाए, और आज भी लोग इस एजुकेशन को लेकर ना तो कोई करोड़पति बन रहा है, बस एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं और मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, जिससे हमें से एक टेंशन रहती है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल नहीं दिया जाए, इसलिए अपने बॉस की हर एक बात को मान रहा है
हमारे पास दो रास्ते हैं। पहले तो इस एजुकेशन सिस्टम को रियलिटी मानकर इसे एक्सेप्ट कर लें और अपने बच्चों को भी इस ट्रैप में फंसाकर छोड़ दें, या तो फिर हम अपने खुद का रास्ता बनाएं, हम खुद डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए और अपने मनपसंद बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और मनचाहे अमाउंट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या अभी भी हमें स्कूल कॉलेजेस की जरूरत है जिनका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ एक जॉब प्रोवाइड कराना हो? अब जो टाइम है ना वो चेंज हो चुका है। अब आप बड़ी से बड़ी स्किल को बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से आप ऑनलाइन सीख सकते हो। जहाँ पहले कॉलेज में आपको एक ऐसा टीचर पढ़ाया करता था जिसके पास थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली कोई नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी, मगर यहाँ पर आप उन पर्सन से सीखते हैं जिन्होंने इस स्किल से कुछ बड़ा अचीव किया है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दो, ये तो सही है, मगर इसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है ना वो गलत है। जो एजुकेशन तुम्हें दी जा रही है ना वो गलत है। जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत ही पुराना हो चुका है। और आपको पता है इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हम लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट को खोते जा रहे हैं, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण सीईओ ऑफ एडोब, सत्य नडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ तक कि यूट्यूब जिस पर तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके सीईओ भी इंडियन ही है। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और ये वर्ल्ड की टॉप कंपनी है जिनके सीईओ इंडियन ही है, जो इंडिया में रहते नहीं है, इनकी सिटीजनशिप अमेरिका की है। ऐसे ही 2018 में 1,34,000 से ज्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया। इसके बाद 2019 में 1,44,000 लोगों ने, 2020 में 85,000 पीपल ने, 2021 में 1,63,000 पीपल ने, 2022 में 2,25,000 पीपल ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया। तो कुछ तो कमी है ना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और आपको क्या लगता है कि ऊपर बैठे हुए लोगों को ये पता नहीं है? उनको ये सब कुछ पता है। और कहते हैं ना, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? आप भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा दे। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। लिखा कितने हो? मैं पांचवी क्लास, हिंदू राष्ट्रीय बनना चाहिए। सिलेंडर 2,000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, आपके लिए। लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। हिंदू राष्ट्र तो भाई होगा ही। $1,000 बिलियन, $1,000 बिलियन, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा, 5,000 करोड़ अरब, 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर अब देश पर कर्जा। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, विपक्ष रहेगा ही नहीं, लोकतंत्र। अब आगे क्या करना है ये सब आपके हाथों में है।